नमस्कार, मैं हूं संजय मीरे, तारा न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। 19 दल नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट करेंगे, तो वहीं अमित शाह बोले इसे राजनीति से ना जोड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान और उद्धव ठाकरे के बीच हुई चर्चा, नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ होने की कही बात। और नागपुर के महाराज बाग में बाघ और तेंदुओं को ठंडे पानी से दी जा रही है ठंडक, गर्मी में भी ठंडा ठंडा कूल कूल का हो रहा है एहसास। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का राजनीतिक वजूद खत्म हो सकता है, पीटीआई पर लग सकता है बैन। इमरान का राजनीतिक वजूद खत्म करने की हो रही है तैयारी, पाकिस्तान में माफी मांगने की हो रही है मांग। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का राजनीतिक वजूद ही खत्म हो सकता है। पाक सरकार का कहना है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाने पर भी विचार चल रहा है। पीटीआई पर यह बैन 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा के चलते लग सकता है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर के अंदर से सेना ने अरेस्ट कर लिया था। उस मामले में सरकार सख्त एक्शन ले रही है और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ आर्मी के तहत कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसी के बारे में बात करते हुए बताया कि फिलहाल इस पर बात चल रही है कि 9 मई की हिंसा वाले लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जाए। पीटीआई पर बैन को लेकर आसिफ ने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ, इस पर चर्चा जरूर चल रही है। इस बीच इमरान खान की पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पीटीआई के नेता मोहम्मद सलीम अख्तर ने पार्टी छोड़ दी है। पूर्व सांसद ने कहा कि वह पीटीआई छोड़ रहे हैं क्योंकि देश की राजनीति अब गलत दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी राजनीति के लिए समय नहीं है। इमरान खान की पार्टी के कई नेता बीते कुछ दिनों में छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान तो सेना को अपने दुश्मन की तरह मानते हैं। संजय मीरे, कारण न्यूज, नागपुर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान सिंह मान, इन्होंने हाल ही में शिवसेना के उद्धव ठाकरे इनसे मुलाकात की। इस मौके पर एलजी अधिकारों से लेकर तो मोदी सरकार के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है जैसी चर्चा तीनों के बीच में हुई है। 2024 में होने जा रहे चुनाव को देखते हुए हर पार्टी एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं देश के नागरिक नेताओं को लेकर संभ्रम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर उद्धव ने कहा कि हम देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आए हैं। मुझे लगता है कि हमें विपक्षी पार्टी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार को विपक्ष कहा जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने वादा किया है कि संसद में हमारा साथ देंगे और अगर ये बिल संसद में पास नहीं हुआ तो 2024 में मोदी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगी। संजय मीरे, कारा न्यूज, नागपुर। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इन दलों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बॉयकॉट करने की जानकारी दी है। आगे दलों ने ये भी कहा कि लोकतंत्र की आत्मा सोख ली गई है, तो वहीं अमित शाह इन्होंने इसे राजनीतिक से ना जोड़ने की अपील भी की है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को इन दलों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में बायकॉट करने की जानकारी दी। इन्होंने कहा, जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही सोख लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के करवाने की मांग कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, तो वही इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है, इसलिए पीएम इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसे राजनीति से ना जोड़े, राजनीति तो चलती रहती है। हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले। संजय मीरे, कारा न्यूज, नागपुर। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम देशों में कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे रूस ऐसे ही प्रतिबंधों को रोकने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है। लेकिन
क्रेमलिन पर्दे के पीछे से भारत सहित अन्य देशों की सरकारों पर दबाव बना रहा है। अर्थव्यवस्था की बर्बादी का डर पुतिन को बार बार सता रहा है, जिससे पुतिन अब भारत देशों को धमकी दे रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम देशों ने कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों के चलते रूस की हालत खराब है। अब खबर है कि रूस ऐसे ही प्रतिबंधों को रोकने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है। क्रेमलिन पर्दे के पीछे भारत सहित अन्य देशों की सरकारों पर दबाव बना रहा है। इसके अलावा रक्षा और ऊर्जा सौदों को खत्म करने की धमकी दे रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन प्रशासन इन देशों से अपने खिलाफ लगने वाली किसी भी प्रतिबंध को रोकने से मदद मांग रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो रूस चाहता है कि भारत जैसे देश रूस के खिलाफ लगने वाले प्रतिबंधों का खुलकर विरोध करे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक जून में होने वाली है। इस बैठक से पहले रूस वाणिज्यिक भागीदारों को टारगेट कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंततः सरकारी संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए मानक तय करता है। संजय मिरे, कारा न्यूज, नागपुर। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एमएलए हॉस्टल परिसर में आयोजित की गई थी। इस मौके पर तमाम प्रांतों से आए 500 के आसपास लगभग सभी सभागण मौजूद थे। इस मौके पर आयोजक एमएम शर्मा इन्होंने कारा न्यूज से बातचीत कर जानकारी दी है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते हैं एमएलए के उस हॉस्टल में जहाँ पे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा शुरू है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारण न्यूज की टीम नागपुर के एमएलए हॉस्टल में। हम आपको बता दें कि दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा होने जा रही है और ये तमाम महानुभाव आप देख सकते हैं कि इस समय पर यहाँ पर मौजूद है। दूर दराज से यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं। आइए हम सीधा रुख करेंगे उन्हीं के पास और उनसे जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए, जीलाल शर्मा विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा। हम लोग ये पूरे देश के कोने कोने से ये महासभा के लोग माननीय एमएम शर्मा के लड़के के शादी में हम लोग पधारे थे और हमारी मीटिंग आज 25 मार्च को आयोजित की गई है। दी अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा पांचों को एक मंच पर एक नेतृत्व में एक झंडे के नीचे ला करके ये पूरे देश में हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। यहाँ कमेटी का यहाँ पे कार्यकारिणी का बैठक लिया है और कार्यकारिणी बैठक में हम लोग ये पूरा तय करेंगे कि हमारा समाज जो है कैसे विकास हो। पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारा समाज रहता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी ध्यान हम लोगों के समाज के ऊपर नहीं है। इसलिए हम लोग आगे की तय करने वाले, आगे का विधानसभा चुनाव है, आगे का नागपुर में महानगर पालिका चुनाव है, हम लोगों को आगे में क्या करना है, इसके लिए हम लोग यहाँ कार्यकारिणी के बैठक लिए हैं, आगे हम लोग सोचेंगे। तो दर्शकों हमने देखा कि किस तरह के यहाँ के आयोजक और अध्यक्ष महोदय इन्होंने ये जानकारी दिया। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सभा हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि ये जो समाज है इन्हें अभी भी कोई किसी बात का तवज्जो नहीं दिया गया, सरकार ने इनकी सूध नहीं ली गई, जबकि बड़ी संख्या में ये समाज इस देश में रहता है और इस देश के इस समाज के कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी कामकाज नहीं है, जिन्हें एक अच्छे प्रभाव में वो लोग आए नहीं है, चाहे शिक्षा का दायरा हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो या फिर एजुकेशन की बात हो। ये समाज को अभी भी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का महत्व देना चाहिए था वो दिया नहीं है, जबकि चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर मनपा के चुनाव हो, ये वही समाज है जिनकी शक्ति ऐसे जब चुनाव होते हैं कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो ये लोग उन्हें वोट करते हैं, मगर वोट करने के बाद नेता तो जरूर जीत जाते हैं मगर इस समाज के मतदाताओं को वंचित रहना पड़ता है। अब इसके बाद ऐसा कुछ ना हो, समाज को न्याय मिले, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन की सभा आज बड़ी संख्या में यहाँ पे ली गई है, जिसके चलते पूरे प्रांतों से बड़ी संख्या में या 500 के आसपास या उससे भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे सभा के आयोजन के लिए लोग आए हुए हैं। नागपुर के एमएलए हॉस्टल से कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज, नागपुर। और इसी के साथ आज के यह समाचार ही समाप्त होते हैं। समाचारों की रफ्तार यूं ही बनी रहेगी, आप देखते रहिए कारा न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।